जिला ऊना में बांस को लोगों की आजीविका से जोड़कर एक विशेष अभियान चलाने को लेकर शुरू की गई मुहिम रंग लाने लगी है। सोमवार को डीसी राघव शर्मा ने चंडीगढ़ धर्मशाला नेशनल हाईवे पर स्थित गांव घंडवाल में बैम्बू विलेज की स्थापना की। इस मौके पर भारत में बैम्बू मैन के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र के योगेश शिंदे भी विशेष रूप से पहुंचे। कार्यक्रम में उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ साथ महिलाओं की संस्था स्वावुमेन फेडरेशन की पदाधिकारी और महिला सदस्यों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। 2 साल पहले से प्रयास शुरू किए गए, जिसके लिए भारत के बैम्बू मैन के नाम से प्रसिद्ध महाराष्ट्र के योगेश शिंदे को भी कई बार हिमाचल प्रदेश में बुलाया गया। उन सभी प्रयासों के चलते अब एक तरफ जहां बैम्बू की नर्सरी शुरू की जा रही है, जिसमें विभिन्न प्रजाति के बांस के पौधे उपलब्ध होंगे, वहीं दूसरी तरफ नर्सरी के ही साथ बांस के उत्पाद तैयार करने के लिए यूनिट को भी शुरू किया जा रहा है। जिला ऊना में नेशनल बैम्बू मिशन के अंतर्गत जो है वो घंडावल नाम के स्थान पे यहाँ बैम्बू विलेज की परिकल्पना की गई है, और उसमें बैम्बू विलेज में डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें एक बैम्बू टूथब्रश एंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो बनके हमारी तैयार है और उसकी मशीनरी आ चुकी है, और फरवरी के महीने में उसको ट्रायल कमीशनिंग करने का हमने टारगेट रखा हुआ है। साथ ही इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है वो भारत में जितनी भी बैम्बू की वैरायटीज़ हैं उनको शोकेस करने के लिए, लोगों को बैम्बू की वैल्यू के बारे में जागृत करने के लिए एक बैम्बू ऑक्सीजन पार्क का जो है वो निर्माण किया जा रहा है। तो सबसे पहले हम डीसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट ऊना के लिए चूज़ किया। ये काफ़ी डिफरेंट प्रोजेक्ट रहेगा, ये एक टॉर्च बेयरर जैसा काम करेगा, जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल लोगों का सहभाग यहाँ पे हो जाएगा और लोकल मटेरियल कंजम्पशन के अलग अलग प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर पाएंगे और एक उपजीविका जो है जो लोकली हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा सपना है जिसकी हम चाहते हैं कि सब लोग इसमें जुड़ जाएँ और एक सक्सेसफुल रोल मॉडल हम हिमाचल को एक देश के सामने रखें।